प्रमुख राजनीतिज्ञ और सिद्धांतवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने देश की सराहनीय सेवा की है। वो सच्चे अर्थों में त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति लोकनायक थे। जयप्रकाश का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा बिहार में हुआ था। निष्ठावान राष्ट्रवादी होने के कारण जयप्रकाश ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में ब्रिटिश शैली के स्कूलों को छोड़कर बिहार विद्यापीठ से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की, जिसे युवा प्रतिभाशाली युवाओं को प्रेरित करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी के एक निकट सहयोगी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा ने स्थापित किया था। बाद में जयप्रकाश ने अमेरिकी विश्वविद्यालय से 8 वर्ष तक अध्ययन किया और वहां वो मार्क्सवादी दर्शन से गहरे प्रभावित हुए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होने पर जयप्रकाश को पार्टी का महासचिव बनाया गया। जयप्रकाश विलक्षण प्रतिभा से युक्त थे। उनकी बातों का भारतीय जनमानस पर अच्छा प्रभाव था। जयप्रकाश जी आजीवन मन से देश की सेवा करते रहे। जयप्रकाश अपनी निष्ठा और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। वे सच्चे देशभक्त और ईमानदार नेता थे और ब्रिटिश प्रशासन को समूल नष्ट करने पर तुले हुए थे। महात्मा गांधी ने अपने सारवान भाषण में कहा था, करो या मरो, डू और डाई। ये वाक्य जयप्रकाश बाबू के मन में सदैव गूंजता रहता था। फलस्वरूप उन्होंने देश को आजाद करने के लिए करो या मरो का निर्णय लिया। गांधी जी के इस महामंत्र को उन्होंने अपने जीवन का मंत्र मान लिया और इसका जमकर प्रचार प्रसार भी किया। जयप्रकाश 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण 1932 में उन्हें 1 वर्ष की कैद हुई। रिहा होने पर जयप्रकाश ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी समूह था। आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर 1948 में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1953 में कृषक मजदूर प्रजा पार्टियों के विलय में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया और चुनावी राजनीति से अलग होकर भूमि सुधार के लिए विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ गए। जयप्रकाश नारायण 1974 में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक कटु आलोचक के रूप में प्रभावी ढंग से उभरे। जयप्रकाश की निगाह में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक होती जा रही थी। 1975 में निचली अदालत में इंदिरा गांधी पर चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश ने उनके इस्तीफे की मांग की। तभी इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी और जयप्रकाश नारायण और अन्य विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपी आंदोलन व्यापक हो गया और इसमें जनसंघ, समाजवादी, भारतीय लोकदल जैसी कई पार्टियां नागरिक स्वतंत्रताओं की बहाली के लिए एकत्र हो गईं। इस प्रकार जयप्रकाश ने गैर साम्यवादी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके जनता पार्टी का निर्माण किया, जिसने भारत के 1977 के आम चुनाव में भारी सफलता प्राप्त करके आजादी के बाद की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। जयप्रकाश ने स्वयं राजनीतिक पद से दूर रहकर मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री मनोनीत किया। जयप्रकाश विचार के पक्के और बुद्धि के सुलझे हुए व्यक्ति थे। जयप्रकाश देश के सच्चे सपूत थे। जयप्रकाश नारायण ने देश को अंधकार से प्रकाश की ओर लाने का सच्चा प्रयास किया, जिसमें वो पूरी तरह से सफल रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भारतीय जनमानस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनका समाजवाद का नारा आज भी गूंज रहा है। समाजवाद का संबंध न केवल उनके राजनीतिक जीवन से था, अपितु ये उनके संपूर्ण जीवन में समाया हुआ था। देश की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर जन जागरण का उद्बोध करने वाला लोकनायक 8 अक्टूबर 1979 को पटना बिहार में चिर निद्रा में सो गया। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइटिंग एंटरटेनमेंट।